हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन और हेल्दी। और देखते ही समझ गए होंगे आज क्या बनने वाला है। यस, आज की स्पेशल रेसिपी जो है वो है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा ज़्यादातर लोगों के घरों में सबको बनाना आता ही है, बट ये जो इंस्टेंट एंड क्विक हलवा रेसिपी है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसमें मैंने जो गाजर कद्दूकस करी थी वो ले ली है, और इसके साथ मैंने डाल दिया है एक ग्लास फुल मलाई वाला दूध। और ये जो गाजर है ये कम से कम 1 किलो गाजर है, और मलाई वाला दूध थोड़ा डाला है 1 ग्लास, और इसमें मैंने डाल दी है चीनी। और इसमें मैं कुकर बंद करके और सीटी इसमें लगवाऊंगी 1 से 2 सीटी बस। अब आपको पता ही है अगर एक चीज़ बन रही है तो मैं खाली कैसे बैठ सकती हूँ। तो इसी के साथ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और आलू के पराठे कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस पराठे बनते हैं। इतने परफेक्ट पराठे बनते हैं कि ना तो किसी चटनी की ज़रूरत, ना अचार की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वो ऐसे ही खाते चले जाओ। इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी पराठे बनते हैं। तो आलू बॉईल जो थे वो मैंने छील के रेडी कर लिए। अब उन जो बॉईल्ड आलू हैं मैं उसको मैश कर लूँगी और उसमें लगाऊंगी तड़का। देखिए ये कुकर में भी सीटी आ चुकी है। 2 सीटी आने के बाद मैंने कुकर की फ्लेम बंद कर दी है, और जितनी देर में उसकी फ्लेम पूरी बाहर निकलेगी इतनी देर में मैं पराठे अपने रेडी करना स्टार्ट कर दूँगी। तो इसमें रिफाइंड डाला है मैंने फ्राई पैन में, थोड़ा सा डाला है जीरा, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा साबुत धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें डाली है थोड़ी सी हींग, और बाकी जो हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे हल्दी, और इसमें आलू डालने के बाद इसी के ऊपर बाकी के मसाले। और मसाले में हल्दी के अलावा इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, और इसी के साथ आमचूर। बस इन मसालों के साथ इन आलूओं को हम कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। ये सब चीज़ डल चुकी है, और इन मसालों को तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक कि जो आलू हैं उनमें से घी सेपरेट ना होने लग जाए। तब तक 10 से 12 मिनट में ये आलू बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। ये देखिए ये आलू एक थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आने लग गई इनमें। अब क्योंकि हमें बनाने हैं पराठे तो फ्लेम कर दी है बंद, और इन आलूओं को कर लेंगे किसी भी प्लेट में निकाल के ठंडा, और उनको थोड़ा फैला देंगे ताकि वो जल्दी ठंडे हो जाएं और पराठे बनाने के लिए हो जाएं बिल्कुल रेडी। अब कुकर की फ्लेम कुकर को हम खोल लेते हैं। फ्लेम कर दी थी हमने बंद, और ये देखिए गाजर एकदम अच्छे से गल चुकी हैं, और इसमें जितना ये दूध है, अब ये जो दूध इसमें बचा हुआ है इसको सुखाने तक अब इसे हमें फ्लेम पे रखना है और चलाते रहना है बीच बीच में। बस फ्लेम में जो बिल्कुल मीडियम से कम फ्लेम होती है उस पे करके मैं इसको रख दूँगी लो फ्लेम पे, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि उसका बाकी का बचा हुआ जितना भी दूध है पूरी तरह से जब तक ना सूख जाए। यहाँ तैयार हो रहे हैं आलू के पराठे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये टेक्निक एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आलू के पराठे इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। क्या बच्चे क्या बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं इस तरह के पराठे, और बिल्कुल इसके साथ किसी चटनी की ज़रूरत नहीं, किसी अचार की ज़रूरत नहीं। आप सर्व करने को ज़रूर रखिए साथ में, लेकिन जब वो ऐसे ही खाना स्टार्ट करेंगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है ये वाले आलू के पराठे चाहे आप सुबह के बनाएं आप शाम को भी खाएंगे तो भी बहुत सॉफ्ट रहते हैं, और टेस्ट एकदम वैसे का वैसा ही।
पराठे भी हो गए हैं हमारे एक तरफ बिल्कुल रेडी, और एक तरफ मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि हस्बैंड को पसंद है आलू के पराठे हमेशा चाय के साथ। इस पे रखिए थोड़ा सा मक्खन और परफेक्ट आलू का पराठा बन गया है बिल्कुल तैयार। तो चलिए आलू के पराठे की रेसिपी हो चुकी है और इसी के साथ अब देखिए इसका जो गाजर में जो बचा हुआ जितना भी दूध था वो काफ़ी सूख चुका है। अब थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए अब बिल्कुल भी जो मिल्क की क्वांटिटी थी अब बिल्कुल नहीं रही इसके अंदर, पूरा मिल्क इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसमें परफेक्ट टाइम है खोया डालने का, तो खोया मैंने ग्रेट करके रख लिया था, अब ये खोया इसमें डाल दूंगी मैं। और खोए को भी अच्छी क्वांटिटी में डालिए क्योंकि इसका स्वाद जो है गाजर के हलवे का खोए से बहुत ही निखर के आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा गाजर का हलवा हो गया है बिल्कुल तैयार। देखिए बहुत ही सुपर्ब टेस्टी डिलीशियस ऑसम हलवा बना था ये, बहुत ही टेस्टी। तो इस तरह से इंस्टेंट जल्दी जल्दी हलवा बनाना हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सिर्फ 1 किलो गाजर का बना हुआ बहुत ही टेस्टी हलवा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। टिल देन बाय बाय।